So yesterday we discussed about the de Broglie hypothesis, in which we say that every moving particle it has wave character also, and it is expressing its particle character also. ठीक है, ये हमने कल किया था de Broglie hypothesis में, जहां पर एक moving object का particle character भी show होता है, wave character भी show होता है, but one character is dominant over other. ठीक है, एक character ज्यादा show होता है, उसके corresponding जो उसका दूसरा character है वो आपको नहीं. ठीक है, तो वहां से हमने matter waves की wavelengths जो थी वो डिफाइन की थी as lambda is equal to h upon mv. ठीक है, so today we are going to do the difference between the EM waves, electromagnetic waves जो हमने पहले पढ़ी हुई है, and matter waves जो हमने कल पढ़ी है. ठीक है जी, so first point, बिल्कुल first definition हम electromagnetic waves की क्या कहते हैं, that these waves they are associated with electric and magnetic field. ठीक है, उनके नाम से ही हमें पता चलता है दैट दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पर जो मैटर वेव्स है दे आर नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट अगर ये चार्ज्ड हैं, सपोज किसी चार्ज पार्टिकल से आ रही है, ठीक है, देन दे विल बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अदरवाइज सिंपल पार्टिकल है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो उसमें दैट इज नॉट एसोसिएटेड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर रहे हो तो मैटर वेव जो है वो चेंज नहीं होगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, ये वेव्स दे आर एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, एक सोर्स से आती हैं हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था ना लाइट हो गई, एक्सरेज हो गए, ठीक है, तो ये सारी जो है वो एक सोर्स से आ रही है, बट मैटर वेव्स दे आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ सोर्स. ठीक है, दे आर नॉट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, यहाँ पे एक सोर्स नहीं है कोई भी लाइट एमिट करने वाला, यहाँ पे हम बॉडी की ही बात कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो अपना वेव करेक्टर भी शो कर रही है और वही बॉडी जो है वो पार्टिकल करेक्टर भी शो कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं जहां से ये आ रही है. ठीक है, ई एम वेव दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमने पढ़ा भी था. ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, बट दे डोंट ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे आर हैविंग देयर डिफरेंट वेलोसिटी, हर एक मैटर वेव की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी. ठीक है, दे विल बी ट्रैवलिंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, तो वेवलेंथ न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हम इसमें कहते हैं. ठीक है, जहां पर हम लैम्डा चेंज करें तो इट विल बी सी बाय न्यू, तो इसके केस में हम लैम्डा का ये एक्सप्रेशन देते हैं. ठीक है, एंड हियर द वेवलेंथ दे आर मच लार्ज. ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है. ओके, बट मैटर वेव्स दे आर डिनोटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहां पर इनकी वेवलेंथ पार्टिकल करेक्टर जो है, ठीक है, तो डैट इज लेस, सो wavelength is small for the matter waves. ठीक है जी, तो दोनों का एक्सप्रेशन भी अलग अलग है, lambda is equal to c upon nu है, उसका lambda is equal to h upon mv है. यहां पर हम एनर्जी की क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. ठीक है, किस एक्सप्रेशन से, इज इक्वल टू एच न्यू के एक्सप्रेशन से हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, बट हियर द एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड. ठीक है जी, तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द मैटर वेव्स. ठीक है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, राइट. सो हमने कल पढ़ा था कि डाटा मैटर वेव्स दे आर बेसिकली अनलिमिटेड टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पढ़ा था ना, जहां पर बॉल है, ठीक है, बॉल की मैटर वेव्स नहीं एक्सप्रेस हो रही है, वहां पे उसकी पार्टिकल करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है. तो माइक्रोस्कोपिक चीजें होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर शोइंग देयर पार्टिकल करेक्टर, दे आर शोइंग देयर वेव करेक्टर. ठीक है, ओके, सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस उसकी क्या लिमिटेशन गई है कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीजों के ऊपर ही लिमिटेड है. ठीक है, अगर हम उसको बड़ी चीज हो यानी कि माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होती है, उसका वेव करेक्टर जो है वो माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा. ठीक है, दैट वाज द बेसिकली लिमिटेशन ऑफ द डी ब्रॉगली, और यू कैन से द डेली लाइफ एप्लीकेशन. ठीक है,
तो डेली लाइफ में हम डी ब्रोगली को कहीं पे ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए यूज हो रही है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ अगेन माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक चीजों के साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट डील कर रहा है, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। लेट मी क्लियर द टर्म अनसर्टेनिटी हियर। सर्टेनिटी मीन्स दैट यू आर 100% श्योर अबाउट द थिंग, ठीक है। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप पूरे श्योर हो उस चीज के बारे में, आपको सारी चीज पता है उसके बारे में। बट हेयर द अनसर्टेनिटी मीन्स दैट यू आर एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट द थिंग, ठीक है। श्योरिटी कम है आपको, एक्यूरेसी इसमें कम है, सर्टेनिटी कम है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, सी ही ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का दोनों वेव और पार्टिकल करेक्टर जो था वो डिस्कस किया, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने आफ्टर दिस थ्योरी ही सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स इकट्ठे, अगर आप इकट्ठे कोई चीज जो है वो मेजर करना चाहते हो, ठीक है। क्या मेजर करना चाहते हैं हम, पोजीशन, दैट विल बी डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है, एंड मोमेंटम, एंड मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ओके। किसकी, ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया विद फुल सर्टेनिटी और एक्यूरेसी। अब ये लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक चीज की पोजीशन और मोमेंटम मेजर करने जाओगे इकट्ठे ही, आप कह रहे हो कि मैं इस इलेक्ट्रॉन की इकट्ठे ही पोजीशन और मोमेंटम जो है वो मेजर कर लेती हूँ, कैलकुलेट कर लेती हूँ, then that is not possible to measure ikattha means simultaneously the position and the momentum of that particle with full certainty, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप position उसकी ढूंढने जाओगे इलेक्ट्रॉन की तो उसकी momentum change हो जाएगी, अगर आप momentum देखोगे तो उसकी position उतनी देर में change हो जाएगी, ठीक है। So this is basically Heisenberg uncertainty principle, that we are not sure, we are not certain about the position and the momentum if you want to measure them simultaneously, ठीक है। एक चीज ढूंढने जाओगे तो दूसरी साइड बाय साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, आई नीड मोर स्पेस, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π, एच अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 22/7, ठीक है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पाई इज 22/7 और 3.1। अब यहां पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेन, मुझे वो चीज की सर्टेनिटी नहीं है, मुझे वो चीज की पूरी एक्यूरेसी नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट, समझ रहे हो, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी, सॉरी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजिशन एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π, ठीक है जी। तो ये इसका एक्सप्रेशन, राइट। डेल्टा एक्स इज स्मॉल, दैट मीन्स आपको अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में है वो कम है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज स्मॉल, दैट मीन्स यू आर मोर सर्टेन अबाउट द पोजीशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी कम होने का मतलब क्या है कि आपकी जो अनसर्टेनिटी कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो उसकी सर्टेनिटी है फॉर द पोजीशन दैट इज मोर, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू कहूँ तो एक्स की वैल्यू मोर होगी, मोर सर्टेनिटी है, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख दे, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π इनटू डेल्टा पी,
ठीक है, तो डैट मीन्स अगर आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो पोजिशन के लिए कम है तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी, अगर ये कम है तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी ना, इफ दिस इज स्मॉल देन दिस विल बी लार्ज, ठीक है, दोनों क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है. तो डैट मीन्स कि डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम जो है उसकी वो बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कम है तो ये डेल्टा पी जो है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि उसकी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, यानी कि मैं उसकी मोमेंटम जो है वो इजीली मेजर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, ओके, सर्टेनिटी कम हो गई है, एक्यूरेसी कम हो गई है. तो इस पॉइंट पे अगर आपको पोजीशन उसकी पता है तो उसकी मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट. एंड सेम अगर हम डेल्टा पी की बात करते हैं, अगर आप डेल्टा पी कम है, ठीक है, यानी कि हम मोमेंटम जो है वो विद सर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर ये स्मॉल है तो नेचुरली दिस विल बी लार्ज ना, तो द डेल्टा एक्स विल बी लार्ज. तो अब यहां पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अब आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो इजिली नहीं मेजर कर पाओगे, विद फुल सर्टेनिटी नहीं मेजर कर पाओगे, ठीक है जी, ओके. और अगर इन दोनों में से एक चीज जीरो हो जाती है, सपोज अगर इन दोनों में से एक चीज जीरो हो जाती है, ठीक है, तो डेल्टा पी जो है वो क्या हो जाएगा, सपोज अगर डेल्टा एक्स जो है वो जीरो है, डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी जीरो है, अनसर्टेनिटी जीरो का मतलब क्या है कि डैट यू आर फुली सर्टेन और यू कैन मेजर इट विद फुल एक्यूरेसी, ठीक है. अनसर्टेनिटी जीरो का मतलब क्या है कि अब वहां पे अनसर्टेनिटी बची नहीं है कि हम पूरी तरह सर्टेन हैं, ठीक है, वी कैन मेजर इट विद फुल सर्टेनिटी और विद फुल एक्यूरेसी. तो अगर इन दोनों में से एक चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है, सो व्हाट अबाउट द मोमेंटम, दिस मोमेंटम इट विल बिकम इनफाइनाइट, तो मोमेंटम इट विल बिकम इनफाइनाइट बन जाएगी कि नहीं, ठीक है, राइट. तो डैट मीन्स कि आप अब मोमेंटम जो है वो तो इनफिनिटी हो गई, अभी अब तो हम बिल्कुल ही मेजर नहीं कर पाए, ठीक है, सो द मोमेंटम और द वेलोसिटी इट कांट बी मेजर्ड एट ऑल नाउ, ठीक है, क्लियर. तो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. राइट, तो इसमें भी हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि डैट हाउ दीज थिंग्स दे आर बेसिकली मेजर्ड विद फुल एक्यूरेसी और विद सर्टेनिटी, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक आई टोल्ड यू व्हेन वी स्टार्टेड द ईएम वेव्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसके ऊपर लाइट्स जो है वो फॉल करती है, जैसे मेरे फेस की मैंने एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, कि मेरा फेस का कलर आपको कब नजर आएगा, व्हेन द वाइट लाइट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम माय फेस एंड इट इज एंटरिंग टू योर आईज, ठीक है, तभी आप मेरे फेस का कलर जो है वो देख सकोगे, ओके. इन द सेम वे अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है, ठीक है, वी नीड लाइट रेस, ठीक है, हमें लाइट रेस तो चाहिए, लाइट तो चाहिए ना किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि लाइट रेस जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इट एंटर्स योर आईज, ठीक है. तो इन द सेम वे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का पाथ देखना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस इलेक्ट्रॉन की पाथ के ऊपर कुछ लाइट रेज जो है वो फॉल करवानी पड़ेगी. और आपको पता है कि लाइट रेज दे कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, लाइट रेज दे कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ओके, और इनका वेव करेक्टर जो है वो ज्यादा शो होता है, ओके. वेव करेक्टर होने के कारण दे आर हैविंग लेस वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. तो अगर वेवलेंथ कम है इसकी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. अब E इज इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग,
अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर। तो यानी कि अगर हम कम वेवलेंथ वाले लाइट रेज ले रहे हैं, कम वेवलेंथ वाले फोटोन ले रहे हैं, तो दे मस्ट बी हैविंग मोर एनर्जी, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो जब वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे, दे विल बी कोलाइडिंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन फोटॉन्स दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है। इस फोटोन के पास एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब इसने उसको कोलाइड किया, तो नेचुरली इन दिस कोलिजन द फोटोन विद हाई एनर्जी इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होना चाहिए था, थ्योरेटिकल पाथ ही होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ से आया, इसी पाथ से वापस चला जाए। बट जब लाइट ने, जब फोटोन्स ने इसको स्ट्राइक कर दिया, तो इसका पाथ, इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई, ठीक है। तो यही हम चीज कहते हैं कि डैट ईच एंड एवरी पॉइंट जो उसकी पोजीशन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। अब अगर कोलिजन हुई है तो पोजीशन के साथ साथ उसकी मोमेंटम यानी कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी उस इलेक्ट्रॉन की, समझ रहे हो, ठीक है। अगर उसने उसको ज्यादा कोलाइड किया है, ज्यादा मोमेंटम अगर उसके पास आई है फोटोन के पास, ठीक है, तो उसने नेचुरली इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज किया होगा, तभी उस इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। यही अगर हम मोमेंटम कम कर देते हैं, राइट, अगर हम मोमेंटम कम कर देते हैं तो नेचुरली रिवर्स विल हैपन। अगर मोमेंटम कम है यानी कि वेलोसिटी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा है डैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डैट इज मोर, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट अगर हम ले ले, रिवर्स ले ले, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन, ओके। अगर मोमेंटम ज्यादा थी, अगर मोमेंटम ज्यादा थी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर मोमेंटम कम है तो डैट मीन्स वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। नाउ हियर द अनसर्टेनिटी इन डायरेक्शन विल बी मोर, ठीक है। सो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वी कांट सी द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है। जब तक हम किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो गया या किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज का जो आपका मोशन है, हम वो तभी स्टडी कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर लाइट रे स्ट्राइक करेंगे। और जब आप उसके ऊपर लाइट रे स्ट्राइक करोगे तो नेचुरली देयर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी और देयर विल बी द चेंज इन द पोजीशन, तो ये होगा ही होगा। इसीलिए आप एक ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी और एक ही टाइम पे उसकी पोजीशन जो है वो दोनों इकट्ठे मेजर नहीं कर पाओ, ठीक है। इफ यू वांट टू मेजर वन थिंग द अदर कैरेक्टर विल बी लॉस्ट, ठीक है, दूसरा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होगी, कॉन्टिन्यूसली ही इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, द इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली लाइट रेज जो है वो उसके ऊपर फॉल हो रही है, कोलिजन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लिमिटेड है, क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक चीजों की बात करो, ठीक है, तो उनमें जो है वो इतनी ज्यादा कोलिजन नहीं होती है कि उनकी बिल्कुल ही पोजीशन और मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। बट ये जो इफेक्ट है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक चीजों में ज्यादा नजर आता है एज कम्पेयर टू द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के अलावा के बजाय ये माइक्रोस्कोपिक चीजों में ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे साथ अगर लाइट रेज जो है वो कोलाइड नहीं करती है और हमारा इतना ज्यादा जो है वो चेंज नहीं आता है पोजीशन, ठीक है। तो सेम वे जैसे हमने कल एक बॉल की एग्जांपल ली थी और इलेक्ट्रॉन्स की ली थी, तो इन द सेम वे अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी uncertainty in velocity into uncertainty in the position, ठीक है, so ठीक है, इसको हमने ऐसे लिया है। सो here what I have did, जो p था ना, p is equal to m into v, ठीक है, p को हमने m into v की फॉर्म में चेंज कर दिया हुआ, राइट, ठीक
क्लियर है बेटा यहाँ से? ठीक है, तो वी हमने यहीं पे रखा है, एम को उधर शिफ्ट कर दिया। सो लेट्स सपोज नाउ हियर फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चलो पहले कोई भी मास ले लेते हैं, एनी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दैट इज हैविंग द मास ऑफ 10^-6 kg, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 6.626 × 10^-34 फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 की वैल्यू 3.14 इंटू मास हमने लिया है 10^-6 kg, ठीक है जी। तो अब हम देखने लगे हैं वैल्यू इसकी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की क्या वैल्यू आती है एक्चुअली, एंड दैट इज 10^-28 m² per second, द वैल्यू इज क्वाइट लार्ज, 10^-28 ज्यादा है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, सॉरी इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल नॉट लार्ज, माइनस में है तो बहुत ज्यादा कम है, ओके, सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, 10^-28 है तो बहुत 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 ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। अब यही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm, अगेन वी विल बी सीइंग द अनसर्टेनिटी हियर, 6.626/4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10^-31, ठीक है, तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू आती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी दैट इज 10^-4 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है इससे, दैट वी कैन मेजर एक्चुअली, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल ली है वो वैल्यू कम, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस इट इज वेरी वेरी लार्ज। इफ वी आर गोइंग टू 10^-28, तो -28 जो है वो बहुत 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 ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, तो इतनी स्मॉल वैल्यू जो है वो हम नहीं मेजर कर सकेंगे, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर द ऑब्जेक्ट्स इट कांट बी मेजर्ड, द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बट यहाँ पर आप इजीली उसको डिटरमिन कर सकते हो क्योंकि वैल्यू 10^-4 है, ठीक है, जो आप इजीली अपनी रेंजेस में हम बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है जी। दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज लिमिटेड टू माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, ठीक है, यहाँ पर भी हम मैक्रोस्कोपिक चीजों की बात नहीं करेंगे, दिस इज ऑल्सो बेसिकली लिमिटेड टू दी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, जहां पर हम उस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ डील करेंगे, ठीक है, राइट, बट यहाँ पर भी ये मॉडल जो है वो फेल हो जाता है, बोहर मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल जो है वो यहाँ पर भी फेल हो जाता है, कैसे फेल होता है, बोहर मॉडल ने क्या कहा था कि दैट वी आर टेकिंग ऑर्बिट्स, बोहर मॉडल ने ऑर्बिट्स की बात की थी, उसने ये कहा था कि वी आर हैविंग द सर्टेन ऑर्बिट्स, सर्टेन एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज लिमिटेड टू दिस सर्कल, दिस ऑर्बिट, ठीक है, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन डिटर्मिन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस सर्कल एंड दिस ऑर्बिट, ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं ना हर एक पॉइंट पे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बोहर थ्योरी ने पार्टिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल का ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया, ठीक है, बोहर थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया, उसने ये कहा कि वो पार्टिकल्स की तरह घूम रहा है और हर एक पॉइंट पे हमें उसकी पोजिशन और मोमेंटम जो है वो पता, ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट इज टोटली इट नॉट इन एग्रीमेंट विद द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मैं उसकी पोजीशन ढूंढने जाऊंगी तो उसकी मोमेंटम लॉस्ट हो जाएगी, अगर मोमेंटम ढूंढने जाएंगे तो पोजीशन लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हाइजेनबर्ग ने ये स्टेटमेंट क्यों दी अगर बोहर मॉडल ने ये कहा है कि वो तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, आप जब मर्जी उसकी पोजीशन और मोमेंटम देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरी जो थी वो बोहर की फेल हो गई, इट डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसके बाद हमें जो कॉन्सेप्ट लाना पड़ा दैट इज द क्वांटम थ्योरी जो हम कल डिस्कस करेंगे, एंड क्वांटम थ्योरी इट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स,
नॉट ऑर्बिट, ठीक है। अब उसने ऑर्बिट की बात नहीं की है, अब उसने ऑर्बिटल्स की बात की। अब उसने कहा है कि मैं प्रोबेबिलिटी चलाऊंगा, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए प्रोबेबिलिटी चलाएंगे कि न्यूक्लियस के किस एरिया के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल्स में हम प्रोबेबल कंसेप्ट लेके चले, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट वी विल बी टेकिंग नाउ इन द क्वांटम थ्योरी, जहां पर हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के यहाँ पर प्रेजेंट, नो, वी विल बी ड्रॉइंग सम रीजंस जहां पर हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर रीजन में फाइंड होने, इतने रीजन में वो प्रेजेंट हो सकता है, तो वो भी हम प्रोबेबल कहेंगे, ठीक है जी। तो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग विद द क्वांटम थ्योरी, ठीक है बेटा, चलो।